हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में पबजी अनबैन का कुछ यहाँ पे न्यूज़ देने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए, ठीक है। तो सभी लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि इंडिया में जो पबजी बैन हुआ है, इसको लेके पबजी वालों ने जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है फाइनली। तो गाइज़, यहाँ पे क्या हुआ है कि पबजी वालों ने जो है उन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कुछ यहाँ पर पोस्ट किया है। तो उन लोगों ने यहाँ पे बोला है कि वो लोग जो है यहाँ पे टेंसेंट के साथ जो उन लोगों का पार्टनरशिप है वो तोड़ रहा है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस अब बढ़ चुका है कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया में जो है अनबैन हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है गाइस, ऐसा नहीं है कि अनबैन हो ही जाएगा 100%, ठीक है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे जो है बढ़ चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पबजी मोबाइल जो है अनबैन हो जाए। और सभी लोग भाई यही सोचो कि भाई अनबैन मतलब हो जाए बस पबजी मोबाइल। तो गाइस, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ ये नहीं है कि पबजी मोबाइल अनबैन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट पबजी वालों ने यही बोला है कि भाई हम लोग टेंसेंट के साथ जो है हम लोगों का जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पे तोड़ रहा है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ चुका है अभी कि पबजी मोबाइल जो है अनबैन हो जाए इंडिया में। तो गाइस, यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, जो हम लोगों का ग्लोबल वर्जन है वहाँ से जो है टेंसेंट को हटा दे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जो तो गाइस ऐसा अगर हो गया तो पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन है वो अनबैन हो जाएगा, तो वो बैन है इंडिया में, ठीक है। तो वो अनबैन हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पे दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि पबजी वाले इंडिया के लिए एक अलग से वर्जन बनाए, जैसे कि पबजी मोबाइल का केयर वर्जन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे वर्जन बनाए इंडिया के लिए पबजी मोबाइल इंडिया, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, देखते क्या नाम से आएगा। तो हो सकता है ऐसा, तो ये दो चीज़ हो सकता है गाइस। तो गाइस, ग्लोबल वर्जन जो है वो अगर यहाँ पे अनबैन हो गया तो काफ़ी अच्छा है। हम लोगों का जो आईडी है, ठीक है, तो जिस आईडी में तुम लोग खेलते थे, ठीक है, ग्लोबल वर्जन था हम लोगों का, तो उसमें जो आईडी में तुम लोग खेलते थे, ठीक है, तो वो आईडी हम लोगों को मिल जाएगा। फिर पबजी वाले अगर इंडिया के लिए एक अलग से वर्जन बनाए तो वहाँ पे हो सकता है कि जो हम लोगों का ग्लोबल वर्जन का जो आईडी था वो वहाँ पे लॉगिन ना हो, तो वहाँ पे हम लोगों को एक नया आईडी क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का केयर वर्जन है, तो केयर वर्जन का जो आईडी है वो ग्लोबल वर्जन में लॉगिन नहीं होता, जो ग्लोबल वर्जन का आईडी है वो केयर वर्जन में लॉगिन नहीं होता, तो अलग अलग आईडी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे पबजी बस आ जाए, कुछ भी करके यहाँ पे आ जाए, जस्ट यहाँ पे कोई नया वर्जन आए या जो पुराना वर्जन है ग्लोबल वर्जन, ठीक है, वही यहाँ पे जो है अनबैन हो जाए। तो जो भी हो गाइज, यही कुछ तुम लोगों को बताना था। और गाइज, यहाँ पे उतना भी यहाँ पे मतलब खुश मत हो जाना कि पबजी मोबाइल अनबैन हो गया है, जस्ट यहाँ पे पबजी वालों ने यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिया है कि मतलब टेंसेंट के साथ वो लोग जो है पार्टनरशिप तोड़ रहे, कुछ ऐसा न्यूज़ उन लोगों ने दिया है पबजी वालों ने, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि पबजी मोबाइल जो है अनबैन हो जाए इंडिया में। तो गाइस, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि पबजी मोबाइल अनबैन हो गया है, ठीक है। तो गाइस, यही तुम लोगों को कुछ न्यूज़ देना था। तो गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। तो गाइस, तुम लोग क्या सोचते हो पबजी अनबैन को लेके, तो वो कमेंट ज़रूर करना। और गाइस, अगर चैनल पे नया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है, ठीक है, तो उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज़ मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को पहुँच जाएगा। तो गाइस, मिलते और किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।